300 किलोमीटर का पैदल यात्रा है, जिसमें अभी लगभग मैं 250 किलोमीटर प्लस चल चुका हूँ। देखा से अभी इसके पूर्व मैं 4500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया हूँ, और वो करके आया उस और मैं झारखंड जिला गिरिडीह सरिया का निवासी हूँ। और मैं ये पैदल यात्रा का हमारा उद्देश्य एक ही रहता है, हिंदू जगाना। हिंदू जो हम लोग जात पात में बटे वो ना बट करके हम लोग क्यों नहीं बोलते, हम लोग गर्व से कि हाँ सनातनी है, हम लोग सनातनी बने। इसलिए मैं अपने प्रचार करके मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। तो आपको जगह जगह पे जा रहे हैं इतने दिन, अभी कितने दिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ सुल्तानगंज में कांवड़ यात्रा में, और कांवड़ यात्रा एक प्रकार का आपको अलग अलग कांवड़ियाँ दिखेंगे जो कि अलग अलग तरीके से एक भक्ति भाव में लीन होके और सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी तट पे स्थित गंगा नदी का जल उठा के बाबा वैद्यनाथ धाम पे जल समर्पित करते हैं, जिसमें से अलग अलग कांवड़ियाँ जो है देश विदेश साथ साथ में कई राज्यों से आते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे कांवड़ी हैं जो कि देख सकते हैं ये पूरा जो कांवड़ यात्रा है ये पूरी तरीके से सजा दिया गया और बहुत ही बड़े बड़े हैं जो कि जल उठाया गया है, 51 लीटर है ना। तो अभी इनसे बात करते हैं कि आखिर कहाँ से आए और क्या क्या चीज़ें हैं। बोलबम बोलबम, क्या नाम हुआ आपका? पहले तो सभी को मेरा प्रणाम है, और हमारा नाम विराट हुआ, और मैं झारखंड जिला गिरिडीह सरिया का निवासी हूँ। और मैं ये पैदल यात्रा भी कर रहा हूँ जो कि 51 लीटर जल उठाया हूँ, और 350 किलोमीटर का पैदल यात्रा है, जिसमें अभी लगभग मैं 250 किलोमीटर प्लस चल चुका हूँ। और अभी मैं यहाँ पे कल पहुँचा था रात में, और रात में पहुँच करके फिर आज सुबह गेवीनाथ में जल चढ़ाया हूँ, और फिर वहाँ से 51 लीटर जल लेके अभी मैं देवघर बाबा धाम के लिए जा रहा हूँ। ये जल आप सबसे पहले कहाँ से उठाए? ये हम उठाए थे अपने निवास स्थान, हमारे यहाँ रजदहा धाम है, वहाँ उत्तरी वाहिनी बही हुई है, वहीं से मैं जल उठाया हूँ। तो वहाँ से आप राउंड करते हुए आ रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ पे जल आप चढ़ा दिए? अभी अजगेवीनाथ में चढ़ाए हैं, और अभी अगला देवघर, उसके बाद बासुकीनाथ भी जाना है। बासुकीनाथ जाना है, वो वहाँ से गाड़ी से देवघर तक आपका पैदल यात्रा है। तो ये आप पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले? नहीं, जैसे अभी इसके पूर्व मैं 4500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया हूँ, और वो करके आया उसके बाद फिर 51 लीटर जल लेकर के अभी मैं 4500 वो कहाँ पे किए थे? वो मैं किया था काशी विश्वनाथ, विंध्याचल, मैहर, उज्जैन, महाकालेश्वर, अयोध्या, हरिद्वार, केदारनाथ और भी तीर्थस्थल पे मैं गया था। तो वो कितना दिनों का समय लग गया? 201 दिन का समय था। और ये यात्रा का हमारा उद्देश्य एक ही रहता है, हिंदू जगाना। हिंदू जो हम लोग जात पात में बटे वो ना बट करके हम लोग क्यों नहीं बोलते, हम लोग गर्व से कि हाँ सनातनी है, हम लोग सनातनी बने। इसलिए मैं अपने प्रचार करके मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। तो आपको जगह जगह पे जा रहे हैं इतने दिन, अभी कितने दिन हो गए? आज हमारे ये हो गए 29 या 30 है ना, 30वां दिन। आपके साथ भी है जी? दो लोग आप लोग? जी दो लोग हैं हम लोग। तो ये कितने दिन का टारगेट है वहाँ पे पहुँचाने का? ये अभी तो देखिए बाबा कब तक बुलावा करते हैं वहाँ तक, ऐसे तो चल ही रहा हूँ, लेकिन पहली बात है। तो आप जगह जगह पे जा रहे हैं तो क्या आपको सहयोग लगातार? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बिहार प्रशासन का, कि काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ मतलब यात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके पूर्व भी जब मैं झारखंड में था तो उधर से ही मुझे PCR की स्कॉट मिलती थी, और सभी वहाँ के जितने भी गाँव वासी थे, जितने भी नगर वासी थे, वहाँ की भीड़ भी हमारे साथ रहती थी, कम से कम 8-10 हज़ार की भीड़ हमारे साथ हमेशा रहती थी। और आज इस रास्ते पे चल रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे साथ प्रशासन के द्वारा बहुत ही सहयोग मिल रहा है, मैं दिल से उन धन्यवाद करना चाहूँगा बिहार प्रशासन को। तो ये कहाँ से आपको ख्याल आया कि 51 लीटर जल जो है, चूँकि काफ़ी सारे लोग हैं वो आते हैं जल उठाते हैं और चले जाते हैं छोटे से जल में, लेकिन आपका कहाँ से आया ये? देखिए ये तो किसी को सोच के नहीं आता, उनका जब तक बुलावा नहीं आएगा, वो जब तक मन में नहीं देंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। आज तक मैं 51 kg कभी नहीं उठाया हूँ, लेकिन आज मैं लेके चल रहा हूँ। एक बार में आप कितने दूर चल जाते हैं जब एक बार? एक बार में जैसे 500, 600, 1 किलोमीटर जितना दूर तक खींच पाए एक बार में। और क्या खाली पेट या फिर खाना? नहीं, खाना खाता हूँ। जी जगह जगह पे जहाँ पे मिलता है, जैसे जहाँ पे रुका दोपहर में अपना आराम करने के लिए, वहाँ पे भोजन हो गया, फिर रात में भोजन हो गया। और लोग जो देख रहे हैं इस वीडियोस को क्या कहना चाहिए? सभी को मैं कहना चाहूँगा एक ही बात, कि आज हम लोग में जात पात जो बट के हम लोग मतलब एक सनातनी को हम जगाने के लिए जो प्रचार कर रहे हैं, वो आप लोग भी आगे आए बढ़ करके, और जात पात में जो बट रहे वो ना पड़े। हम ये सिर्फ इन्हीं का जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि जितने हमारे देश के अंदर में हिंदू हैं, सभी को ये इच्छा होना चाहिए कि सनातनी धर्म पे एकजुटता लाए और एक प्लेटफॉर्म पे चले। इसीलिए इनके मन में ख्याल आया कि 350 किलोमीटर का पैदल यात्रा थोड़ा यूनिक होना चाहिए। राजदहा धाम गिरिडीह जिला से अंतर्गत सरिया में है, वहाँ से पैदल यात्रा, अगर पैदल यात्रा नहीं करते, गाड़ी से आते तो आज तो आप लोग के साथ तो नहीं मिल पाते। पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि किस वजह से ये चल रहे हैं, सिर्फ सनातनी को जगाने के लिए।
सनातन ने जगे, इसीलिए 51 लीटर के, एक तो 1 लीटर लेकर जल लेकर जाने में बाबा धाम में परेशानियां होती है, छाले पड़ते हैं, बड़े बड़े फोड़े होते हैं, लेकिन 51 लीटर जल लेकर के कंधे पे लेकर चलना कोई कम बड़ी बात नहीं है भाई। इसलिए सभी सनातनी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करें और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर चले, यही बाबा से मन्नत है और यही सबसे बड़ा जो भी बोल सकते हैं यही है। तो आप इनके साथ जाते हैं? जी, इनके साथ चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यात्रा कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया यात्रा है, बहुत बढ़िया यहाँ का व्यवस्था भी है, और कंवरिया को देख कर बहुत सारा उत्साह भी है, बहुत बढ़िया लगता है, झूमते गाते हुए बहुत बहुत बढ़िया ग्रुप में, तो और भी मजा आया। हाँ हाँ, बहुत बहुत है ना। क्या नाम हुआ सर? रितेश कुमार श्रीवास्तव। आप भी आए हैं? हाँ हाँ, साथ में हम लोग 20 लोग। आप लोग अच्छा लगा? अच्छा, हाँ बहुत। तो देखिए, इस तरीके से आपको अलग अलग कावड़ियाँ जो है वो आपको मिलेंगे रोड में, चूंकि लगातार जो लगातार जो है कावड़ियों की जो है लंबी कतार लगी हुई है। और अभी जो है यहाँ से असरगंज से जो डालमिया मोड़ आई, बहुत बहत बोले सबका एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एकदम बाबा खुश हो गए, फिदा हो गए। देखिए, घोड़े में भी चढ़ के आप शेयर कर सकते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए, इधर कुछ माताएं भी आए। कहाँ से आए आप लोग? कर कहाँ पड़ता है? बिहार में। हाँ। कैसा लग रहा है सफर? ठीक लग रहा है? ठीक है। थके नहीं? नहीं, अभी चल जाइएगा। चल जाएंगे। गुड़ियारी में नहा लिए? नहा लिए। तो देखिए, बम पीछे है, अभी 3 बम आए हैं, 2 बच्चा वहाँ बैठा है, हम ला रहे हैं अभी बम पीछे। अच्छा, तो चलिए, ये देख सकते हैं लोगों का एक, चूँकि सावन के टाइम में अगर आप आएंगे ना, अभी मले मास चल रहा है जिसके कारण से थोड़ी सी भीड़ है, कम है, लेकिन जब आप सावन में आएंगे तो ये पूरी तरीके से भरा हुआ मिलेगा। पैरों से जो है ना आपको चलने का मौका नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहता है। और ये नदी भी देखिए कितना अनोखा है कि यहाँ पे नदी है और आगे जो है आगे पानी बहुत कम है, लेकिन इस जगह पे पानी इतना ज़्यादा है और साथ साथ में बालू भी है। यहाँ पे आप प्रेशर के द्वारा भी पानी है, अगर आप उसमें नहीं नहा पाते हैं तो यहाँ से आप डुबकी लगा के भी नहा सकते हैं, तो ऐसे भी नहा सकते हैं। देखिए, सारा सुविधा, स्टैंड लगाया गया है जगह जगह पे, अगर आप कावड़ लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंड में आप जो है रख सकते हैं और फिर आप नहाने के लिए जो है 2-3 घंटा, देखिए 2-3 घंटा तो समझ सकते हैं। आज सोमवारी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कहाँ से आए? साथ में शेरघाटी। क्या पूजा कर लिए? कर लिए, तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। पहले से भी आ रहे हैं? पहले से ज़्यादा भीड़ आज लगा? हाँ, ज़्यादा है। तो देखिए, आज ज़्यादा भीड़ है चूँकि पहले जो है कम रहता था। एक छोटा सा बम भी यहाँ पे है। क्या नाम हुआ? राहुल। तो आप साथ में? हाँ। तो VIP वाले में पूजा किए हो? हाँ। कितना पैसा देना पड़ा था? अंकल दिए, लेकिन दर्शन हो गया, पूजा हो गया। हाँ। तो देखिए, दर्शन पूजा हो गया, आप भी साथ में। हाँ। तो कहाँ आप VIP में किए थे या नॉर्मल पूजा? VIP में। तो उसमें क्या अर्धा में ही?